हे दोस्तों, हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए एक और जबरदस्त वीडियो लेकर, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं चार ऐसे स्टार्टअप बिजनेस आइडियाज जिनके बारे में ना तो आपने कभी सुना होगा और ना ही आइडियाज आपके दिमाग में आए होंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को पूरा देखना ताकि एक भी स्टार्टअप आइडिया आपसे मिस ना हो जाए। इसके अलावा दोस्तों, इनमें से किसी भी पर्टिकुलर स्टार्टअप के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इससे पहले मैंने जो वीडियोज बनाए थे जिसके अंदर मैं आपको अलग अलग स्टार्टअप बिजनेस आइडियाज के बारे में बताया था, जैसे कि प्लांट बेस्ड मीट के ऊपर, हर्बल टी के ऊपर, तो दोस्तों उनके ऊपर डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनकर तैयार हो चुका है, कुछ ही दिन में इस चैनल के ऊपर अपलोड होने वाला है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, आप जो भी कमेंट करेंगे उसके हिसाब से हम पूरा रिसर्च करके वीडियो बनाकर चैनल के ऊपर अपलोड जरूर करेंगे। तो जाने के लिए वीडियो को देखते रहिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हे दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, फटाफट बात कर लेते हैं उन चारों स्टार्टअप बिजनेस आइडियाज के बारे में। सबसे पहला स्टार्टअप बिजनेस आइडिया घर से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों, हमारे आसपास में जितने भी लोग रहते हैं उनका सपना होता है कि वो अपना खुद का घर खरीद सके, लेकिन आज के टाइम में प्रॉपर्टीज के जो प्राइस है उसकी वजह से लोग आसानी से अपना घर खरीद नहीं सकते। वहीं दोस्तों, अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं और उनको अपने पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है, तो वो क्या करते हैं, वो प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और प्रॉपर्टी खरीदने के बाद में उनके पैसे कुछ सालों बाद में डबल हो जाते हैं, उनको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई इंसान मुंबई में रहता है और उसके पास 70 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़े हैं, अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो उसका करे क्या, तो वो क्या करेगा, मुंबई में कोई भी फ्लैट खरीद लेगा। अब दोस्तों, फ्लैट खरीदने के बाद में उसके पास क्या ऑप्शंस होंगे, या तो वो फ्लैट को बंद करके रखेगा या फिर किसी को रेंट पे दे देगा। अगर वो रेंट पे देगा भी तो उसको हर महीने कितने पैसे मिलेंगे, 10,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए के बीच में, इससे ज्यादा अमाउंट उसको नहीं मिलने वाला। सो दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे दो तरीके के लोग हैं। सबसे पहले ऐसे लोग जिनको घर खरीदना है लेकिन उनके पास उतने पैसे नहीं है कि वो एक साथ इतने पैसे दे सके और घर को खरीद सके। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं और वो अपने पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि उनको अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। सो दोस्तों, हम क्या कर सकते हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड कर सकते हैं, वहां पे इन दोनों को ला सकते हैं और विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। मतलब दोस्तों, इनके पास जो बहुत ज्यादा पैसे हैं ये लोग इनको हेल्प करेंगे जो घर खरीदना चाहते हैं। अब दोस्तों, आप लोगों के मन में ख्याल आएगा कि ये उनको हेल्प क्यों करेंगे, तो दोस्तों वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि विन विन सिचुएशन क्रिएट होगी, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके बारे में, फिर बात करेंगे इनके बारे में। देखिए दोस्तों, ये जो लोग हैं जो घर खरीदना चाहते हैं तो इनके पास इतने पैसे तो है नहीं, ये कहीं ना कहीं पर जॉब कर रहे हैं और हाल फिलहाल में कहीं ना कहीं रेंट पे रह रहे हैं और रेंट पे ये सर्टेन अमाउंट पे करते हैं। अगर दोस्तों इनको ऐसा ऑप्शन मिले कि रेंट से ज्यादा अमाउंट आपको पे करना है और अगर आप हर महीने एक सर्टेन ईएमआई पे करेंगे तो कुछ सालों तक पे करने के बाद में घर आपका हो जाएगा, तो इनके लिए तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा क्योंकि इनके पास एक साथ इतने पैसे नहीं है कि ये दे सके। वही दोस्तों, ये जो लोग हैं इनका मेन मकसद क्या है, इनको इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को डबल ट्रिपल करना है। सो ये क्या कर सकते हैं कि इनको हेल्प करने के लिए घर खरीदेंगे और उसके बाद में एक सर्टेन ईएमआई फिक्स करेंगे और उनको बोलेंगे कि हर महीने आपको इतना ईएमआई पे करना है और इतने सालों के लिए पे करना है, और उतने सालों तक अगर ये आदमी इनको ईएमआई पे कर देगा तो दोस्तों इस आदमी का घर हो जाएगा। इसके अलावा इसको भी अच्छे खासे पैसे मिल चुके होंगे। सो दोस्तों, इसके पर्सपेक्टिव से अगर हम सोचें तो इसने एक तो किसी की हेल्प की और साथ ही साथ में पैसे भी कमा लिए। सो दोस्तों, अगर हम चाहें तो इस तरीके का प्लेटफॉर्म बिल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, और भी विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है। जैसे मान लीजिए इसने घर खरीदने के लिए ईएमआई देना शुरू किया और उसके बाद में कुछ महीने बाद इसको लगा कि घर प्रॉपर नहीं है, इसको ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, ये घर को चेंज करना चाहता है, तो इंस्टेंटली ये क्या कर सकता है, किसी दूसरे घर के लिए ऑप्ट कर सकता है। वहीं दोस्तों, इस भी आदमी का नुकसान नहीं होगा क्योंकि इसको रेंट से ज्यादा अमाउंट मिल चुका होगा, क्योंकि ईएमआई का जो अमाउंट होगा वो रेंट से कहीं ज्यादा होने वाला है। सो दोस्तों, दोनों के लिए फायदे का सौदा होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड करते हैं तो बीच में आपको अच्छा खासा कमीशन भी मिलेगा। सो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इस पर्टिकुलर स्टार्टअप के ऊपर मैं डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं अमेरिका की एक कंपनी है जो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रही है। अगर आप उस कंपनी का नाम जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं आपको नाम जरूर बताऊंगा। दोस्तों, मैं आपको बाकी के स्टार्टअप बिजनेस आइडियाज बताऊं, उससे पहले मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, क्या आप भी एक जबरदस्त स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, एक ऐसी कंपनी बनाना चाहते हैं जो सालों साल चले? तो दोस्तों, ऐसे में आपको एक बुक जरूर पढ़नी चाहिए। उस बुक का नाम है लेट्स बिल्ड अ कंपनी। अगर आपके पास ये बुक अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास ये बुक अवेलेबल नहीं है तो इस बुक की समरी आपको मिल जाएगी कुकू एफएम पे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। इनके प्लेटफॉर्म पे आपको 3,000 से भी ज्यादा बुक्स ऑडियो फॉर्मेट में मिल जाएगी जिनको आप सुन सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कुकू एफएम के ऊपर आपको हिंदी, इंग्लिश, मराठी,
ही ऐसी और भी लैंग्वेजेस में ऑडियो बुक्स मिल जाएगी, तो जो भी लैंग्वेज आपको समझ में आती है उसमें आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं। और दोस्तों इन्होंने हमारी जिंदगी को आसान करने के लिए बहुत सारी बुक्स को ऑडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है, तो अब हमको बुक्स पढ़ने के लिए अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको जब भी जहां कहीं भी टाइम मिले हम ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं और अपने नॉलेज को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों कुकू एफएम 100% मेड इन इंडिया एप्लीकेशन है, और अगर मैं इनके गूगल प्ले स्टोर रेटिंग की बात करूं तो वो है 4.5। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म कितना ज्यादा पॉपुलर है। और दोस्तों मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप कमाओ और कमाए दो चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आप लोगों के लिए मेरे पास एक जबरदस्त डील भी है जिसका फायदा उठा सकते हैं। अगर आप कुकू एफएम का एनुअल सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो आपको सिंपली एक कूपन कोड यूज करना होगा, वो कूपन कोड है KKD50। ये कूपन कोड अप्लाई करने से आपको स्ट्रेट अवे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने कुकू एफएम का लिंक और ये कूपन कोड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाइए लिंक पे क्लिक कीजिए, कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिए, आपको स्ट्रेट अवे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं बाकी के स्टार्टअप बिजनेस आइडियाज के बारे में। दूसरा स्टार्टअप आइडिया ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे जाके हम सामान खरीद सकते हैं, जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अब दोस्तों जब भी हमको कोई सामान खरीदना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम गूगल में जाके चेक करते हैं और उसके बाद में जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और वहां से हम सामान खरीदते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम डायरेक्टली अमेजोन पर चले जाते हैं या फिर फ्लिपकार्ट पर चले जाते हैं और वहां से जाके सामान भी खरीदते हैं, लेकिन बहुत बार हमारे साथ में ऐसा भी होता है कि सामान खरीदने के बाद हमें किसी फ्रेंड से या कहीं से पता चलता है कि अगर हमने ये जो पर्टिकुलर सामान ऑनलाइन खरीदा था इसको हम दूसरे प्लेटफॉर्म से खरीदते और ये कूपन कोड अप्लाई करते तो हमको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता, तो उस टाइम पे दोस्तों क्या होता है, हमको रिग्रेट फील होता है, हमको ऐसा लगता है कि काश मुझे पहले पता चल गया होता तो मैं ये कूपन कोड यूज करता या उस प्लेटफॉर्म से खरीदता तो मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता। सो दोस्तों मार्केट में ऐसा कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जहां पे जाके हमको पता चल जाए कि वो पर्टिकुलर चीज कौन से प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, किस प्राइस में अवेलेबल है, कौन सा कूपन कोड यूज किया जाएगा या फिर कौन सा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज किया जाएगा तो हमको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है। सो दोस्तों यहां पे एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड कर सकते हैं जहां पर क्या होगा, कोई भी आदमी कोई भी सामान खरीदने से पहले हमारे प्लेटफॉर्म पे आएगा, उसके बाद में वहां पे सर्च करेगा। जैसे मान लीजिए किसी इंसान को वॉशिंग मशीन खरीदनी है तो सिंपली क्या करेगा, हमारे प्लेटफॉर्म पे आएगा, वॉशिंग मशीन का नाम और मॉडल नंबर डालेगा और उसके बाद में इंटरनेट के ऊपर जितने भी प्लेटफॉर्म उस पर्टिकुलर मॉडल नंबर को सेल कर रहे हैं उसकी सारी डिटेल्स उसको वहां पे दिख जाएगी, जैसे अमेजोन में किस प्राइस में, फ्लिपकार्ट में किस प्राइस में, इसके अलावा जो दूसरे प्लेटफॉर्म है उनमें किस प्राइस में। इसके अलावा उसको यह भी मिल जाएगा कि अगर वो खरीदना चाहता है तो कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर कौन सा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज करेगा तो कितना डिस्काउंट मिलेगा, कौन सा कूपन कोड चल रहा है। तो दोस्तों ऐसा करने से क्या होगा, कोई भी सामान खरीदना चाहता है तो दोस्तों उसको बेस्ट डील मिलेगी। तो दोस्तों अगर ऐसा प्लेटफॉर्म हम बिल्ड कर लेते हैं तो क्या होगा, लोग डायरेक्टली अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे जाने से पहले हमारे प्लेटफॉर्म पे आना पसंद करेंगे और वहां पे जाके चेक करेंगे कि कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर कौन सा पर्टिकुलर चीज सस्ती प्राइस में मिल रहा है या बेस्ट डील में मिल रहा है। सो दोस्तों अगर आप चाहें तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर भी काम कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में इंडिया में तो कोई भी नहीं कर रहा है और अगर कोई कर भी रहा होगा तो बहुत ही छोटे लेवल पर कर रहा होगा। सो अगर इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया जाए तो अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं। तीसरा स्टार्टअप बिजनेस आइडिया फूड से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि हम हमारे घर में होते हैं और हमको कोई पर्टिकुलर चीज खाने का मन होता है लेकिन इंग्रेडिएंट घर पे अवेलेबल नहीं होता जिसकी वजह से हम वो चीज बना नहीं पाते, तो हमको उस केस में क्या करना पड़ता है, किसी भी रेस्टोरेंट से खाना मंगाना पड़ता है। अब दोस्तों किसी रेस्टोरेंट से अगर हम खाना मंगाते हैं तो उसमें नुकसान क्या होता है, जितना पैसा देने के बाद में एक आदमी खाना खा सकता है, अगर उतने ही पैसे का हम इंग्रेडिएंट खरीद कर घर पे बनाएं तो 4 से 5 आदमी आराम से खा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी जरूर हुई होगी कि आपको कुछ खाने का मन था लेकिन घर पे वो सामान ही अवेलेबल नहीं था कि आप खुद बनाकर खा सके, तो दोस्तों आपको रेस्टोरेंट से खाना पड़ा होगा। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास समय ही नहीं होता कि वो खुद जाके कोई भी सामान खरीद सके। सो दोस्तों इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड कर सकते हैं जिसके ऊपर अगर किसी भी इंसान को कोई पर्टिकुलर चीज बनानी है तो सिंपली क्या करेगा, हमारे प्लेटफॉर्म पे आएगा, उस चीज का नाम लिखेगा, इसके अलावा कितने लोगों के लिए बनानी है वो लिखेगा और उसके बाद में हमारा प्लेटफॉर्म क्या करेगा, मतलब हमारी कंपनी क्या करेगी, हम उस पर्टिकुलर चीज को बनाने के लिए जिन जिन इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ती है उनको पैक करेंगे और उसके घर पर डिलीवर कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों इंग्रेडिएंट के साथ हम उसको एक रेसिपी भी देंगे तो सिंपली क्या कर सकता है, रेसिपी को देखकर खुद बना सकता है और फूड को एंजॉय कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर इस तरीके का कॉन्सेप्ट शुरू होता है तो इसका फायदा क्या होगा कि जो फूड वेस्टेज होता है वो भी बहुत ही कम होगा, क्योंकि दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम कोई सामान बनाते हैं तो हमको अंदाजा नहीं होता कि 4 या 5 लोगों के लिए बनाने के लिए कितना सामान लगेगा, तो हम ज्यादा सामान बना लेते हैं और उसके बाद में खाने वाले लोग कम होते हैं जिसकी वजह से सामान बच जाता है और फूड वेस्ट होता है। लेकिन अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मार्केट में होगा तो
उतना ही इंग्रेडिएंट मिलेगा जितने की जरूरत है। सो दोस्तों फूड वेस्टेज बहुत ही कम होने वाला है। अगर आप चाहते हैं इस पर्टिकुलर स्टार्टअप के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं कि किस तरीके से इस तरीके का स्टार्टअप शुरू किया जा सकता है, कैसे सारी चीजें होगी, कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतना ही जल्दी मैं वीडियो बनाकर इस चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा। चौथा स्टार्टअप बिजनेस आइडिया क्लाउड किचन से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों, हमारे आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में होता है कि वो खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और अच्छे खासे पैसे कमाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्या होती है कि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि खुद का रेस्टोरेंट ओपन कर सके। और अगर मैं क्लाउड किचन की भी बात करूँ तो उसमें भी तो किचन तो सेटअप करना ही पड़ता है, तो उतने उनके पास पैसे होते नहीं है। और दोस्तों जिनके पास पैसे होते हैं उनका मैक्सिमम पैसा सेटअप में ही चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो फूड की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर बैठते हैं। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए मान लीजिए अगर आपके पास पैसे है तो आप क्या कर सकते हैं, एक जगह को ले सकते हैं, वहां पे क्लाउड किचन सेटअप कर सकते हैं और उसके बाद में उस क्लाउड किचन को रेंट पे दे सकते हैं। जो भी आदमी अपने नाम से कोई भी रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता है या फिर खाना बनाकर बेचना चाहता है तो वो आपकी क्लाउड किचन को रेंट पे ले सकता है। और दोस्तों क्लाउड किचन का फायदा क्या होता है कि आपको जगह प्राइम लोकेशन में लेने की जरूरत नहीं है, आप आउटस्कर्ट में भी ले सकते हो, ऐसी जगह पे ले सकते हो जहां पे रेंट कम हो और वहां पे अपना क्लाउड किचन सेटअप कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी जगह खुद की है तो आपको रेंट भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके अंदर ए टू जेड सारी चीजें अवेलेबल होगी और जो भी रेंट पे लेना चाहेगा उसको खाली अपना सामान लेकर आना है, वहां पे बनाना है और अपने ब्रांड के नाम से वो बेच पाएगा। So, दोस्तों इस तरीके के कॉन्सेप्ट के ऊपर भी काम किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर अमेरिका की एक कंपनी है जो काम कर रही है और बहुत ही अच्छे लेवल पे काम कर रही है और उनको अच्छी खासी फंडिंग भी मिली हुई है। अगर आप उस कंपनी का नाम जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं नाम आपको जरूर बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और आप लोगों के लिए मैंने कुकू एफएम का लिंक और कूपन कोड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ये लिंक पे क्लिक कीजिए, कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिए, आपको स्ट्रेट अवे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए कमाने के तरीकों के साथ।